सबसे पहले जब हम लोग स्टैट प्रो की बात करते हैं तो स्टैट प्रो में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सर ये सिलेबस मेरे द्वारा बनाया गया एक सिलेबस है, ठीक है, जो मैं कवर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है। जो ट्यूटोरियल बनाता हूँ वो भी मैं इसी पर बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा जो स्टैट प्रो होता है, तो सर हम लोग जैसे स्टैट प्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए स्टैट प्रो क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टैट प्रो यूज़ करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे कि हमें कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग स्टैट प्रो का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में जानना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर है उस पर किस किस टाइप के स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हो आप, और कौन कौन सा रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर, ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई घर है, ठीक है, कोई भी BIM का हमने एक स्ट्रक्चर लिया है, अब उस स्ट्रक्चर को RCC डिजाइन कर रहे हो, RCC डिजाइन कर रहे हो तो क्या उसका FC ले रहे हो, क्या उसका FY ले रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्या ले रहे हो अब उसके बारे में। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में सर हम लोग सीयर फोर्स देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, ठीक है, बिंड का इफेक्ट देते हैं, सेस्मिक इफेक्ट देखते हैं, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम लाइक डायनेमिक एनालिसिस उसकी करते हैं, ये सारी अलग अलग टेस्ट करते हैं उसके ऊपर सर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जब स्टैट प्रो पे आते हैं तो स्टैट प्रो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट प्रो। अब स्टैट प्रो क्या करता है, स्टैट प्रो सर लाइक कई वर्क करते हैं, वर्क इन द सेंस कि जैसे कि सबसे पहला तो एनालिसिस करेगा। अब जैसे कि हम लोग एनालिसिस अभी तो मैन्युअली हम लोग सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट FX, FY, FY, MZ निकालते थे, हम लोग मोमेंट वगैरह निकालते थे, ये आपको डायरेक्ट निकाल के दे देता है। अलग अलग टाइप के सपोर्ट्स, अलग अलग क्या लाइक जो भी सपोर्ट लगाए, जो भी लोड लगाओ, पॉइंट लोड लगाओ, मेंबर लोड लगाओ, यूनिफॉर्म लोड लगाओ, एवरी लोड। तो हम लोग जानते हैं कि स्टैट प्रो में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर सारा कुछ आता है, ठीक है। अब गेटिंग फैमिलियर विथ स्टैट विंडो, दैट मीन्स सर हम लोग इसका जो विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है कि जैसे गेटिंग फैमिलियर विथ स्टैट प्रो विंडो, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट क्या होता है, ओपन विंडो क्या होता है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट वाइज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे हमने कि यहाँ पे स्पेस क्यों लेते हैं, प्लेन क्यों लेते हैं, तो हम लोग इसे फैमिलियर बनते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया, स्पेस के लिए हमने बताया 3D यूज करेंगे तो हमारा स्पेस होगा, फिर जब 2D यूज करेंगे तो प्लेन होगा, फिर फ्लोर होगा, जब हमारा दो लाइक हमारे जैसे कोई स्लैब है उसके एनालिसिस कर रहे हो, स्टेट की एनालिसिस कर रहे हो, ट्रसेस होगा जब हम लोग कोई ब्रिज का ट्रस बना रहे हैं, कोई और ट्रस बना रहे हैं उसके लिए हम लोग ट्रसेस यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग फाइल नेम देते हैं, लोकेशन देते हैं, और यहाँ पर लेंथ यूनिट्स देते हैं लाइक क्या क्या लेंथ में होता है, लाइक हम लोग जो यूज़ करते हैं मीटर एंड किलोमीटर यूज़ करते हैं, MKS सिस्टम, तो MKS हम लोगों ने लिया। और इसके बाद हम लोग गेटिंग फैमिलियर में ही एक इसका आता है कि एड बीम क्या होता है, एड प्लेट क्या होता है, तो हमने बताया था एड बीम जो हम लोग बीम्स ऐड कर करके हम लोग रिजल्ट को लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एड प्लेट, एड प्लेट में हम लोग अलग अलग टाइप्स के प्लेट्स हम लोग अभी लगाएंगे, अभी हम लोग देखने वाले जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा उसी पर होने वाला है, तो प्लेट्स कैसे लगाएंगे। उसके बाद सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी एनालिसिस करना है, उस पर क्या लोड का इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई लाइक भरा हुआ एक लोहे का रॉड है, ठीक है, उस लोहे के रॉड को लाइक आपको ऑब्जर्व करना है कि उस पर क्या इफेक्ट आएंगे, तो हमारा सॉलिड हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपन स्टैट विजार्ड हमने लास्ट टाइम जो ट्यूटोरियल पढ़ा था उसमें था कि हम लोगों ने एक बिल्डिंग इंपोर्ट की थी और उसमें हम लोगों ने किया था। स्टैट एडिटर मैं आपको बताऊंगा सर आगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने कोई लोड लगा लिया, हमको उस लोड को डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एडिटर पर जाके एडिट कर सकते हैं उस लोड को। और जॉब इन्फॉर्मेशन भी ये दोनों लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, और एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं, कैसे रिजल्ट किसी को देना है, ठीक है, किसी को शो करना है कि दिस इज़ योर रिजल्ट, हाउ कैन यू शो दैट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एड विंडो, इसके बाद हम लोगों ने फिनिश किया था। तो ये सारा चीज़ जो हमने पढ़ा वो हमारा क्या था, फैमिलियर हो रहे थे हम विंडो से कि हमको यूज़ कैसे करना है, ये तो हमारा सर थर्ड सिलेबस था। इसके बाद हमने मॉडल जनरेशन यूजिंग स्टैट एडिटर, ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि अभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्नैप, इंट्रोडक्शन ऑफ स्नैप मोड एंड बीम, ठीक है, नोड एंड बीम, इसके बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर होता है हमारा नोड, यहाँ पर होता है बीम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि नोड क्या होता है, बीम क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि ये भी वही है, स्नैप नोड एंड बीम, ठीक है, चाहे यहाँ से आप ओपन करो, ये कर्सर है सेलेक्ट करने के लिए उसका, और ये उसका ये है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करके फर्स्ट यहाँ से हम यहाँ तक हमने ले लिया, तो हमने बताया था आपको। अब फिर आगे स्टार्ट करना है, मान लो क्लोज करना है आपको, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है तो फिर से आप लो और फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये हमारा स्नैप नोड बीम के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसके बारे में फर्स्ट क्लास में कि क्या बोलते हैं एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड क्या होता है। तो ये होता है जो 0.0 होता है, ये हमारा एक्स मतलब होता है। इसके बाद सर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे
एडिटर, जैसे कि अभी हम लोग करेंगे ना एडिटर मॉडल जनरेशन यूजिंग नोड बीम एडिटर, तो हमने पढ़ा था आप लाइक लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन रिपीट करके कि एक रूम का स्ट्रक्चर बनाया, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से एडिट करेंगे अपने नोड एंड बीम को और उसको हम लोग उसके एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन रिपीट किस तरह से उसको रिपीट दो फ्लोर पर करना है, तीन फ्लोर पर करना है, वो हम लोग आज देखेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर मॉडल जनरेशन यूजिंग ट्रांसलेशन रिपीट जो भी हम लोग कर चुके हैं, ट्रांसलेशन रिपीट मतलब कि चार आगे कमरे बन जाए चार पीछे बन जाए, तो कॉपी करके पेस्ट किया तो मॉडल जनरेशन हमने देख लिया है। असाइनिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि हम लोग क्या क्या असाइन करना है, जैसे जैसे कि हमें बताना है कि बीम का साइज क्या रखना है, ठीक है, हमने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर जस्ट जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की सब फाइल आती है, फिर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ बीम की क्या प्रॉपर्टीज, सपोज हमने डिफाइन कर ही दिया इसको, तो हमने डिफाइन पे क्लिक करके 0.30 × 0.30 मैंने इसको डिफाइन करके ऐड कर दिया, दिस वन इज कॉल्ड डिफाइन, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया तो ये प्रॉपर्टी हमारी इस पर डिफाइन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने डिफाइनिंग के बारे में सब पढ़ा था, तो हमें फर्स्ट क्लास में हमको ये भी डिस्कस करना है। और इसके बाद असाइनिंग, अभी इसके बाद हम लोग बताएंगे कि सपोर्ट्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स पढ़े थे। असाइनिंग लोड्स, लोड किस तरह से लगाएंगे, मेंबर लोड लाइक यूनिफॉर्म लोड, एवरी टाइप कॉन्सनट्रेटेड मोमेंट लोड, अलग अलग टाइप के लोड्स को लीनियर वेरिंग कैसे लगाएंगे, ट्रेपोजॉइडल कैसे लगाएंगे, तो लोड्स कैसे लगाएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं जो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, तो किस तरह से उसके एनालिसिस करना है। फिर सिंपली सपोर्टेड क्या होता है, न्यूमेरिकल हमने लगाए थे दो तीन, मैं एक दो न्यूमेरिकल आज हम लोग फिर से लगाएंगे सिंपली सपोर्टेड के बारे में, तो ये होता है सिंपली सपोर्टेड। उसके बाद बीम एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर जो हम लोग आज फिर से आज करने वाले हैं, बीम्स बनाएंगे हम लोग, एनालिसिस करेंगे, जैसे कि हमने एक बीम्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट होगा हमारे पास, जैसे कि एक एक स्क्रीनशॉट ये भी है कि मान लीजिए हमको इसकी लाइक इसमें अलग अलग बीम्स हैं, ये स्लैब है एक, उस स्लैब की एनालिसिस, तो यहाँ पे दो दो मीटर के यहाँ पे रूम्स का वो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये अलग अलग बीम्स यहाँ से नोड लेना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, तो दिस वन इज कॉल्ड नोड, तो इसे हम कैसे बनाएंगे वो हम नोड के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक। और इसके बाद सर अप्लाइंग फ्लोर लोड, फ्लोर लोड कैसे लगाएंगे, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो फ्लोर लोड को कैसे लगाएंगे वो हम लोग बताएंगे। फ्लोर लोड लगाया है एक्चुअली, लेकिन अभी फ्लोर नहीं बनाया हमने, ठीक है। फ्लोर लोड लगाया था, लाइव लोड कैसे लाइक कि जहाँ पर टेरिस है टेरिस पर लोड नहीं लगाएंगे, उसके नीचे तक लगाएंगे, दैट मीन्स। और इसके बाद हम लोगों ने बिंड एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। सेस्मिक अभी नहीं किया हमने, सेस्मिक हम करेंगे। इसके बाद क्रिएटिंग लोड कॉम्बिनेशन, 9 टाइप्स के लोड कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं सर हमें, और उन कॉम्बिनेशंस को हमें डालना पड़ता है अपने सेस्मिक एनालिसिस में। ये हमारा जैसे कि 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड, इसके बाद ई एक्स मतलब कि एक्स डायरेक्शन में आपका अर्थक्वेक और फिर वाई डायरेक्शन में क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन हमें डाल के फिर एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, जो हम लोग करने वाले हैं लाइक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें आज के क्लास में पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्लैब, मतलब कि स्लैब के साथ बिल्डिंग, अभी तक हम लोग केवल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते थे स्लैब नहीं डालते थे, तो स्लैब का एनालिसिस कैसे करेंगे विथ फ्रेम, तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ठीक सर। इसके बाद हम लोग कॉलम्स एंड बीम डिजाइन, तो कॉलम एंड बीम डिजाइन में आपको अलग अलग टाइप के कॉलम्स हमने बनाए थे, सर्कुलर कॉलम, अभी रेक्टेंगुलर कॉलम, कुछ भी बना लीजिए और बीम बना लीजिए, उसकी डिजाइन करके देखिए उसका डिफ्लेक्शन क्या आता है, उसका शियर फोर्स क्या आता है, ठीक है, वो सारा हम लोग रिजल्ट देखते हैं। इसके बाद रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन हमने लास्ट क्लास में किया था कि एक बिल्डिंग थी उसकी डिजाइन करके हम लोगों ने देखा था कंक्रीट डिजाइन वो। इसके बाद हम लोग देखते हैं सर स्टेयर केस एनालिसिस, स्टेयर केस बनाते हैं, जैसे कि एक स्टेयर केस यहाँ पर हमारे पास इमेज में अवेलेबल हो गए थे, नहीं एक्चुअली अभी स्टेयर केस नहीं है, तो स्टेयर केस ऐसे एक स्टेयर केस की स्निपिंग शॉट मैंने रखे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्टेयर को हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद स्टील डिजाइन, स्टील डिजाइन में हम लोग जैसे कोई वेयर हाउस है, ठीक है, तो वेयर हाउस की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए हम लोग स्टील डिजाइन का यूज़ करते हैं, स्टील डिजाइन का उसके बाद हम लोगों को करना होता है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिजाइन, तो वाटर टैंक में हम लोग कोई एक वाटर टैंक बना लेंगे, उस जैसे वाटर टैंक में सर फोर्स लगता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके अंदर, तो उस फोर्स को डाल के उसको देखेंगे उसका रिजल्टेंट क्या आता है। और फिर मूविंग लोड हमने देख रखा है कि बाइक चला के देखा मूविंग लोड में क्या इफेक्ट है, तो इस तरह से हमारा ये कोर्स का ड्यूरेशन होता है, मेरे द्वारा बनाया गया ड्यूरेशन, ठीक है। तो हम लोग इतने टॉपिक्स कवर करते हैं, जैसा कि आपने देखा कैड सेंटर में 9 टॉपिक्स थे, तो हमने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया टॉपिक को, जिसे समझने में आसानी रहा। तो फर्स्ट क्लास में सर हमें बस लाइक अगर फर्स्ट क्लास होती है हमारी
तो फर्स्ट क्लास में तो हमें सबसे पहले तो आना चाहिए कि एक बीम को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमने प्रॉपर्टी में जाके डिफाइन कर दिया कि क्या मटेरियल है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमको ये बताना है। इसके बाद हमें मतलब कि अभी सपोर्ट्स डालने हैं, ठीक है। तो दूसरा काम हम लोग सपोर्ट्स के लिए जाएंगे, और सपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट, जैसे कि मान लीजिए एक तरफ हमने पिन सपोर्ट ले लिया जिसको हमने ऐड कर दिया, एक तरफ हमने फिक्स बट ले लिया, यहाँ पे फिक्स बट होता है जिसको रोलर आप जानते हो, ठीक है। अब इसमें फिक्स बट में हमको एफ एक्स एफ जेड एफ एम एक्स एम वाई एम जेड, इसमें जो फोर्स होता है ये वाई की तरफ से हम लोग काउंट नहीं करते क्योंकि सारा फोर्स ऊपर से आता है, ठीक है। बट जो रोलर होता है, रोलर में कैसे, रोलर में लाइक अगर रोलर है तो रोलर या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, रोलर कभी ऊपर ही नहीं जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एम वाई सॉरी एफ वाई फोर्स वाई हम लोग नहीं काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि फोर्स ऊपर की ओर तो जा नहीं रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है, और नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। बस तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें एफ वाई नहीं लेना है, ठीक। तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो हमारे दो टाइप के सपोर्ट्स हो गए। हमने एक सपोर्ट को यहाँ लगाया और सपोर्ट को लगाया साइन और इसको यस कर दिया। अब इसके बाद दूसरा सपोर्ट हमने यहाँ लगाया और यहाँ लगा के फिर असाइन किया, असाइन करके सपोर्ट को यहाँ पर लगा दिया, ठीक। तो फर्स्ट क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लोड के बारे में पढ़ लेंगे। तो अभी जैसे कि हम फर्स्ट क्लास कर ही रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो जैसे कि आई थिंक कितने मीटर का था देखते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये 5 मीटर की हमारी बीम है, ठीक है। और 5 मीटर की बीम में हमने देखा कि जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे ये न्यूमेरिकल हमें लगाना है, ठीक है सर। तो अभी जैसे ये 5 मीटर का है तो यहाँ पे देखिए इसका इस पे लोड कितना कितने का लगाया गया है, 10 किलो न्यूटन का, जो कि कहाँ लगाया गया, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो मेरा टोटल 5 है इसलिए मैं इसका 5 कर देता हूँ क्योंकि मेरा 10 मीटर बीम नहीं है। तो हमने कर दिया इसका 5 लोड। तो बस 5 लोड करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आना है आपको और यहाँ पर आके लोड्स पर क्लिक करना है। लोड्स पर क्लिक करके लोड किस डिटेल और यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पर जस्ट आपको डेड लोड लिख करना है। डेड लोड मीन्स सर नॉन मूवेबल लोड, जो भी लोड बिल्डिंग से आप नहीं मूव कर सकते हो दैट इज़ योर डेड लोड, तो हमें क्लियर होना चाहिए। और लाइव लोड मीन्स जिसको हम मूवेबल कर सकें, ठीक है। यहाँ पर डेड लोड क्लिक किया, अब यहाँ पर डेड लोड लेने के बाद यहाँ पर सर आइए और यहाँ पर आके यहाँ पर मेम्बर लोड पर आइए, यहाँ पर आपको मिलेगा कंसंट्रेटेड फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स हमें लगना है कितना, वहाँ पे 10 किलो न्यूटन था, हमने इसको 5 कर दिया, ठीक है। तो हमने कर दिया उसको -5 किलो न्यूटन, ठीक। अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा जी वाई, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। जी वाई मीन्स सर ग्लोबल वाई और जी एक्स मीन्स ग्लोबल एक्स, ठीक है। जी जेड मीन्स ग्लोबल जेड, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग लगाते हैं कि कहाँ पे लगाना है, जैसे कि इस पूरे बीम में हमें हाफ पे लगाना है, तो बीम हमारा कितने का था, 5 का था, तो 2.5 पे लगेगा हमारा। तो हमने क्या किया, इसको 2.5 लिया और 2.5 लेने के बाद हमने इसको ऐड कर दिया और ऐड करके क्लोज कर दिया। अब इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे और इस बीम को सेलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू कर देंगे असाइन और यस, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अभी हमारे पास फोर्स लग गया और दो तरफ के सपोर्ट भी लग गए सर। अब ये जैसे ये कभी कभी बड़ा दिख रहा है, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि यहाँ पे जैसे सर लोड पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया एनालिसिस एंड प्रिंट एंड यहाँ पे ऑल पे क्लिक किया, ऐड किया और क्लोज कर दिया। और फिर यहाँ पे एनालाइज पे आकर रन एनालिसिस करेंगे तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर का रिजल्ट आ जाएगा सर कि क्या क्या रिजल्ट आता है। तो हम फर्स्ट क्लास में इसी का इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनके, और न्यूमेरिकल्स को हम के बारे में पढ़ेंगे। हमको लगता है लोड की वार्निंग दे दिया इसने, व्यू आउटपुट फाइल पे क्लिक करके देखेंगे कि किस चीज़ का वार्निंग दे रहा है। इंसिबिलिटी एट जॉइंट टू डायरेक्शन एम एक्स, हमने एम एक्स का वो क्लिक कर रखा था, हमने जैसे कि हमने बंद किया ना ऐसे एफ वाई क्लिक किया ना, तो हमें एम वाई भी सॉरी एम वाई भी हमें वहाँ पे क्लोज कर देना था सर, क्योंकि जैसे अगर ऊपर फोर्स नहीं आ रहा तो मूवमेंट भी नहीं आएगा, तो उसके लिए उसने वहाँ नहीं दिखाया। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग यही देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग टाइम्स के बीम्स लिए।